बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक के बाद एक चीज लेके आ रहे हैं, सिल्वर कलर में मिली है, सुपर आर्ट वगैरह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या लेके आए हैं इसमें, क्या ऑफर है सर? इसमें रेड कलर की वीडियो भी आप ले चुके हैं, ब्लैक की भी ले चुके हैं, और सिल्वर कलर भी है। ये तीन कलर इसमें थे, तीनों की वीडियो काफी था शेयर करना। तो बाकी इसको जो कलर पसंद हो आपसे वो मुझे देखने में सबसे अच्छा सिल्वर लगे। जो भी बाइक खरीदेगा उसको देंगे हम, क्योंकि लोगों ने इंतजार किया हमारा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बाइक दो तीन मास वेट के बाद हमारे पास पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा तालीम, बहुत ज्यादा लोग हमारे रास्ते में रहे हैं, तो आपको लगता है कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट प्लान का मैं फिर आपको दोबारा जिक्र कर दूँ, फिर वीडियो बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट प्लान सिर्फ पिंडी इस्लाबाद के लोगों के लिए, बाकी पूरे पाकिस्तान में जो भी मार्केट लेना चाहेगा हम उनसे कैश पे ये तो व्यूअर्स, ये हमारे पास 150 सिल्वर कलर के अंदर, ग्रे कलर भी कह सकती हैं। अगर आप देखें तो ग्रे और ब्लैक का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके टैंक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड फ्रेम भी इन्होंने दिए गए हैं, जिनको वाइजर कहा जाता है। इसके अंदर आपको एयर विंट्स दी गई हैं, एयर कूल इंजन आते हैं यहाँ से, एयर पासिंग के लिए जबरदस्त है। फ्रंट से भी अगर आपको दिखाऊँ तो ये एयर को अंदर की तरफ थ्रो करते हैं। अगेन टैंक के ऊपर ग्राफिक्स बड़े जबरदस्त इन्होंने दिए हैं, 150 ये लाइनिंग के अंदर प्रोमिनेंट करके लिख दिया है, यूनाइटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको व्हाइट और रेड के अंदर ग्राफिक्स दिए गए हैं। एक और चीज़ आपको दिखाते चले, पेंट क्वालिटी बहुत से लोग कहते हैं यार कि चाइना है, लेकिन आपको मैं पेंट क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। ये फुली सीबी यूनिट है, आप देख सकते हैं जो होंडा का सिल्वर कलर है ना, उसमें भी इसी तरह का पेंट आता है जिसको इसके अंदर आता है। ब्लैक और रेड पे आपको मैं बता ही चुका हूँ, उनका पेंट दूसरी तरह का होता है होंडा की वीडियो में, लेकिन सिल्वर का पेंट इन्होंने भी कमाल कर दिया है। और टैंक ओपनर आपको गेंद में बताना चाहूंगा कि इसके अंदर नट बोल्ट वाला आता है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक के अंदर दिया जाता है, जो कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी लोकल बाइक में नहीं आता। अगेन साइड जो फ्रेम है US 150 लिखा हुआ है, ये ग्लॉसी लुक प्रोवाइड करता है, और यहाँ नीचे कार्बन फाइबर का इन्होंने प्रोवाइड किया है। जो बाकी उनमें एलुमिनियम लुक में इन्होंने दिया है, इसमें ग्लॉसी लुक दे दिया है, काफी जबरदस्त इन्होंने किया है। इसके अलावा बैक साइड पे जो फ्रेम है वो व्हाइट और ब्लैक के ग्राफिक्स के साथ आता है। इसके ऑपोजिट साइड पे आपको यहाँ पे चाबी लगाने की ऑप्शन मिलेगी, जिससे आप इसकी सीट को खोल सकते हैं। एक और चीज़ आपको दिखाते चलिए कि सीट काफ़ी ज़बरदस्त स्पोर्टी लुक में आती है, बैक साइड से वो ऊंची है, फ्रंट से थोड़ी नीची है, जाकर ताकि जो फ्रंट राइडर होता है वो लॉन्ग जर्नीस पे भी इजीली ट्रैवल कर सके। एक और चीज़, जो रेल्स हैं वो काफ़ी इन्होंने स्पोर्टी लुक में दी हैं, आने वाले वक्त के जितने भी बाइक्स हैं, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक देखते हैं यामा के, इवन R6 पे सेम टू सेम ऐसी रेल्स दी जाती हैं। एक और चीज़ आपको दिखा दें कि जो इसके टर्न सिग्नल्स हैं फुली फ्लेक्सीबल हैं, ये पार्किंग में आप खड़ा करते हैं, कोई ऐसा डर नहीं है कि यार कोई सिग्नल तोड़ जाएगा। इसके अलावा इसके स्पेयर पार्ट जितने भी आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं आप इसका फ्रंट से, जो हेडलाइट वगैरह है, हेडलाइट आप देख सकते हैं डायमंड कट के अंदर आती है। इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब दिया जाता है, और इसके अंदर दो बल्ब आती हैं, एक पार्किंग बल्ब है और हेलोजन बल्ब है, जिसकी दो पॉइंट्स हैं अपसाइड और डाउन साइड, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको मीटर मिल रहा है जो कि कार्बन फाइबर के इसके फ्रेम में आता है, और हार्ड प्लास्टिक है, उस तरह का कोई नहीं है जिस तरह आप YBR में देखते होंगे, बिल्कुल हल्का सा स्मोकी दिया हुआ है और टूट जाता है। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल हेलोजन के अंदर है। अगेन शॉक्स दिखा दूँ तो टेलीस्कोपिक शॉक्स दिए जाते हैं, दो शॉक्स है इसके फ्रंट साइड पे, डायमंड कट पे फ्रंट मड गार्ड दिया गया है, पेंट की जो फिनिशिंग है वो यहाँ पे भी जबरदस्त की गई है। फ्रंट टायर जो है 2.75x18 इंच का फ्रंट टायर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको मैं दिखाते चलूँ कि यहाँ पे आपको 18 इंच के रिम के साथ साथ डुअल पिस्टन की डिस्क ब्रेक दी जा रही है। आप यामा का YBR लेते हैं तो उसके अंदर सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, लेकिन यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन की डिस्क ब्रेक मिलेगी। यहाँ पे आप इसके कैलिबर देख सकते हैं, जबरदस्त है, ब्लैक के अंदर इसकी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द मीटर ऑफ दिस बाइक, आप देख सकते हैं मीटर में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलेगा, 120 किलोमीटर यहाँ इसकी टॉप स्पीड दी गई है। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर मिलेगा जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी माइलेज वगैरह। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है, 12,000 RPM तक ये अप्रोच करता है। फ्यूल गेज यहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे हेडलाइट की ऑप्शन मिलती है, न्यूट्रल राइट और लेफ्ट के टर्न सिग्नल ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है। अगेन किल स्विच अभी तक किसी बाइक में नहीं दिया गया, यहाँ पे पाकिस्तान में इन्होंने दे दिया है। और लाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन मिलती है, सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि फ्रंट पे डिस्क आती है तो उसका यहाँ पे ऑयल दिया गया है, या ऑयल की डेस्टमेंट होती है, यहाँ से आप इसका लेवल देख सकते हैं। यू हैंडल बार दिया गया है, यहाँ पे चोक मिल जाती है फ्रंट पे, और इसके साथ साथ हेडलाइट की ऑप्शन मिलती है, डिपर के साथ साथ टर्न सिग्नल और हॉर्न दिया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त है, टैंक वगैरह का आपको बता ही चुका हूँ। अब आ जाते हैं इसके इंजन के बारे में। इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट के साथ इंजन दिया जाता है ताकि वाइब्रेशन वगैरह इतनी फील ना हो। सेल्फ स्टार्ट मोटर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो टॉप स्पीड है वो 110 से 120 किलोमीटर तक ये अप्रोच करता है। और यहाँ पे आपको दिखा दिया जाए तो इसके अंदर स्पोर्टी शिफ्ट पैटर्न के अंदर गियर्स आते हैं,
चार गियर पीछे लगती हैं और एक गियर आपका आगे लगती है। यहाँ पर इसका पैटर्न भी बना है, जिनको नहीं समझ आई वो यहाँ से देख भी सकते हैं, इन्होंने आसानी के लिए लगाया। अगेन फ्यूल एवरेज बहुत से लोगों का यार एक सवाल होता है, तो इसके अंदर आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एवरेज में मिलेगी जहाँ पे हॉर्न फिट किया गया है। साइड है, स्टैंड डबल स्टैंड दोनों इसके अंदर अवेलेबल है। इसका जो फुटरेस्ट है फ्रंट वाला वो भी बेंडेबल है, आप इसको बेंड भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शन होते हैं अगर आप अल्लाह ना करे खुदा ना खस्ता गिर जाते हैं तो ये आपका टूटेगा नहीं, बहुत से लोगों का ये टूट जाता है, छिल जाता है, ये बेंड होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगेन साइड पर भी आपको ज़्यादा से इन्होंने बेंड दिया ताकि वाइब्रेशन इतनी फील ना हो सके। अब आ जाते हैं बैक शॉक्स के ऊपर। बैक पर आपको स्प्रिंग वाले शॉक्स मिलते हैं, नीचे आपको देख सकते हैं कि अलहदा से फ्रेम दिया ताकि इतनी सस्पेंशन इसकी लॉन्ग जर्नीस पर भी आपको डिस्टर्ब ना करें। ये चीज़ होंडा यामा दोनों में आती है लेकिन इन्होंने ज़बरदस्त इसमें भी प्रोवाइड कर दिया है। एक और चीज़ आपको दिखाएं तो ब्लैक में इसका मैट में चेन कवर दिया है जो कि मेटल के अंदर दिया जाता है। बैक टायर 90/90/18 के अंदर है, 18 इंच इसका रिम है और 90/90 इसका प्रोफाइल है। इसके अलावा बैक से आपको लुक दिखा दी जाए। सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर ब्लैक कोटेड एग्जॉस्ट है, इसके ऊपर जो रेल दी गई है वो भी ब्लैक के अंदर दी गई है। क्रोम में दे देते हैं लोग पे रैप कराते हैं लेकिन उन्होंने पहले से ब्लैक में दे दिया, काफी जबरदस्त लुक दे दी है। अब आ जाती है बैक लुक के ऊपर, यहाँ पे आपको दिखाते चलूँ बैक पे जो लाइट है काफी ग्लॉसी लुक में दी गई है और LED बल्ब इसके अंदर यूज किए गए हैं। नीचे आपको नंबर प्लेट लाइट भी मिल रही है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। बैक टेल भी काफी जबरदस्त दी गई है। एंड पे आप इस बाइक की जो प्राइस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स आपने इसका रिव्यू देखा होगा, बहुत से लोगों का इंतजार होगा कि यार 12 बजे ऑफर, तो 12 बजे ऑफर भी बता दें और इसकी प्राइस भी बता दें। अच्छा 12 बजे की ऑफर ये है कि जनाब जो बाइक की 12 बजे में फाइनल परचेज करते हैं उसको तक हेलमेट मिलेगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उसके बारे में बता दूँ आपको, 50% डाउन पेमेंट भी करनी पड़ती है और 1 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान है और माइनस का मार्जिन कंपनी से चार्ज करती है, जनाब आपको ये इंस्टॉलमेंट मिल सकते हैं। 3,50,000 इसकी प्राइस है जो 150 की रेंज में आज तक अभी तक मेरे हिसाब में कोई ऐसा बाइक नहीं जिसकी 3,50,000 प्राइस हो और वो भी इम्पोर्टेड हो खास तौर पर। लोकल बाइक भी ऐसा कोई नहीं, लोकल समर्थ में पाकिस्तान में बन रहा हो और 3,50,000 का मिल रहा हो। सही बात है, 3.5 लाख रुपए में 150 की बाइक है सर। इससे कम क्वालिटी में कहूँगा उड़ा दो, जो इससे कम क्वालिटी है वो 5 लाख रुपए की दे रही है, ठीक है। इस मेरे भी देने का नहीं आता, भी 3,95,000 रुपए का जबरदस्त हो गया यार, 3.5 लाख रुपए में हमारी चीज ले आए हैं। ये मेरे रिव्यू कमेंट करते हैं, जिन्होंने भी लेना है इनका नंबर आपने ले लिया होगा, एड्रेस का भी आपको बताई चुका हूँ, यही पे रिव्यू एंड करते हैं। गाँव में आज ठीक है।